महादेव, वेकेशंस के बाद स्कूल का फर्स्ट डे कितना ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा और नर्वसनेस से भरा हुआ होता है ना। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशन का रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप खुद को अपने स्कूल के फर्स्ट डे के लिए तैयार कर सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट इट। इस रूटीन का ना मेरा अभी बनाने का मन नहीं था, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों की वैकेशन स्टार्ट हुई है, अभी तो जून का महीना चल रहा था। बट फिर आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आए कि मैंने सोचा कि अब तो बनाया जाए। तो चलो करते हैं अपने रूटीन को स्टार्ट। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की प्रिपरेशन एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है, पहली शाम को। सबसे पहले हम अपनी यूनिफॉर्म को चेक करेंगे कि कहीं से कुछ फटा वटा तो नहीं है, और क्या पता हमारी यूनिफॉर्म हमें छोटी हो गई हो। इस तरीके से हम अपने यूनिफॉर्म को अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, और कोई ऊपर नीचे कुछ करना हो, सिलवानी हो या फिर नई लानी हो, तो इस टाइम हम वो चीजें कंप्लीट करें। स्कूल डेज में ना हमारी यूनिफॉर्म का परफेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो हमने वैकेशन होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म को वॉश करके ही रखा था, बट कई बार क्या होता है थोड़ी बहुत स्मेल सी हो जाती है, इसलिए आप एक दिन पहले अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे तरीके से पानी में से निकाल के सुखा दीजिए, जिससे अगले दिन स्कूल में आप नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म डाल सके एंड आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट लगे। स्किन केयर की, नेक्स्ट डे आपको स्कूल में जाना है, इसलिए स्कूल में जाने से पहले अच्छा सा स्किन केयर फॉलो करना जरूरी है। मैं तो कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप का यूज कर रही हूँ। आर यू लुकिंग टू ब्राइटन, क्लींस एंड रिजुविनेट योर स्किन? तो आप भी कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप का यूज कर सकते हैं। इस सोप में कोजिक एसिड एंड विटामिन ई की गुडनेस है। ये सोप आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को छीने बिना ऑयल, स्वेट एंड इम्प्योरिटीज से छुटकारा पाने के लिए आपकी स्किन को साफ करता है, एंड देन इट गिव्स यू द परफेक्ट ग्लो। फॉर बेस्ट रिजल्ट use it twice every day and watch your skin transform day by day. Use regularly, you definitely consider a product has many benefits: anti-aging, moisturizing skin, sunscreen protection, antibacterial use for all types of hyperpigmentation. It will give you clean and transparent beauty, deeply cleanses and moisturizes. ये lotion soap neem and tea tree oil से युक्त है, which are known for their antibacterial and anti-inflammatory properties, giving you healthier skin. You can also this for your skin. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। स्कूल में जाने से पहले आपको अपने नेल्स को भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि वैकेशंस में पता नहीं आपने अपने नेल्स को कितना कितना बड़ा किया होगा, और क्या पता इसमें कितनी सारी गंदगी भी हो, इसलिए इनको हमेशा चेक करके जाएं, अच्छे तरीके से अपने नेल्स को कट करके साफ करके जाएं, जिससे अगले दिन आपको बिल्कुल भी डांट ना पड़े। आपको ना अपनी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे आप घर पे रहे चाहे आप स्कूल में जाएं, इस चीज का ध्यान आपको रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी टेबल पे आ जाना है, और आपको अपनी स्टडी टेबल को बिल्कुल डीक्लटर करना है, क्योंकि वैकेशंस में हमने बहुत सारी न्यू बुक्स को पढ़ा है, बहुत सारी न्यू चीजें हमारी टेबल पे आई हुई है हमारी स्टडी बुक्स के अलावा। तो उन सभी बुक्स को अब अपने ठिकाने पे रख दीजिए, और अपनी स्टडी टेबल को अपने दोबारा से वैसी बना दीजिए जैसी पहले, क्योंकि अब आपकी वैकेशंस खत्म हो चुकी है, अब आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, और अब आपको मन लगा के स्टडी करनी है, वो सभी एक्टिविटीज भी करनी है बट अपने फ्री टाइम। वैकेशंस के बाद जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो एक हिसाब से ये भी हमारी स्कूल लाइफ की एक न्यू शुरुआत होती है, इसलिए आपको अपनी सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो अब बारी आती है बैग पैक करने की, हम अपने बैग में क्या क्या लेके जाएं। सबसे पहले तो आपकी फाइल जिसमें आप टेस्ट रखते हैं, उसके बाद अपनी बुक्स, उसके बाद एक रफ नोटबुक, और सारे पेन, स्केल, और ये आई कार्ड, और ये क्या के बोलते हैं इसको, फेविस्टिक, एंड साथ में डिक्शनरी और कुछ कलर्स, क्योंकि फ्री टाइम पे हम इनका यूज कर सकते हैं, और बोर होने की बजाय अपनी ड्रॉइंग पे टाइम बिता सकते हैं, और साथ में अपने स्पेक्स। इन चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही है, इससे एडिशनल आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं अगर आपके स्कूल में अलाउड है। ये सभी चीजें तो बेसिक नीड है, ये सभी चीजें तो आपके बैग में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी खत्म हो गया, व्हाट शुड बी इन योर बैग, ये सभी चीजें आपके बैग में होना जरूरी है। और ना नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में हेयर वॉश मत करना, आप एक दिन पहले ही शाम को ही अपना हेयर वॉश कर लेना, क्योंकि अगर आप ये चीज मॉर्निंग में करोगे तो इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर वो बाल सूखेंगे भी नहीं, और पूरा दिन आपके बाल उड़े उड़े लगेंगे, इसलिए आप एक दिन पहले ये सब चीजें कर लेना। तो अब बारी आती है अपनी टिफिन्स को, बोटल्स को वॉश करने की। अभी छुट्टियों में इतने दिन तो इनका यूज हुआ नहीं, इसलिए इन पर थोड़ी बहुत डस्ट आ चुकी होगी, इसलिए आप यूज करने से पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ही यूज करें। हाँ।
चेक करने की, सब कुछ चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ किया हुआ है या नहीं, या फिर कोई पेज मिसिंग है, कोई काम मिसिंग है जो आपने सोचा था कि मैं बाद में कर लूंगा और वो बाद में आप भूल गए। इस टाइम आपको अपने सारे होमवर्क को चेक करना है, साथ ही साथ जो आपको लर्निंग के लिए दिया गया था अगर आपने वो कम्प्लीट नहीं किया है, थोड़ा बहुत आपका काम बाकी है, तो टाइम पे उस चीज को कम्प्लीट कर लीजिए। आती है अपनी डायरी को चेक करने की, जो जो चीजें टीचर ने मंगवाई हुई है, जो जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं, वो सब चीजें यहाँ पे ध्यान से देख के अपने बैग में डाल लीजिए। अगर आप गलती से भी कोई चीज भूल गए ना, तो देखना आपका नेक्स्ट डे बिल्कुल खराब जाएगा। ये सब करने के बाद आपको बनानी है नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट। नेक्स्ट डे आप क्या क्या करने वाले हैं, सुबह उठते ही आपके कौन कौन से टास्क रहेंगे, सारी चीजों को राइट डाउन कर लेना। अब ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, वैकेशंस के बाद का स्टडी प्लान, कि किस तरीके से आप दोबारा से अपनी स्टडी को ट्रैक पे लाएंगे, किस तरीके से दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर किसी चीज की आप पहले से ही प्लानिंग करके रखेंगे ना, तो बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे आपके प्लान के सक्सेसफुल होने के। इसलिए अपना वैकेशंस के बाद का स्टडी प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे सारी चीजों को सोचिए कि किस दिन आपको क्या करना है और आपको कितना सिलेबस कवर करना है, एक वीक में, एक मंथ में, एक डे में, सारी चीजों को प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन में प्लानिंग नहीं होगी, बट धीरे धीरे हो जाएगी। सब काम करते करते ना आपकी यूनिफॉर्म भी सूख चुकी होगी, तो इस यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए चले जाइए। अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो मम्मा प्रेस कर देंगे, अगर आप फ्री हैं तो आप खुद भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल आयरन किए हुए नीट एंड क्लीन क्लोथ्स ही पहन के स्कूल में जाना है। कैसे आप अपने नेक्स्ट डे स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार, आपकी यूनिफॉर्म भी तैयार, आपका बैग भी तैयार है। ये सभी काम करने के बाद आप अपने नाइट रूटीन को फॉलो करिए और उसके बाद अपने सोने के लिए जल्दी आ जाइए, क्योंकि कल आपको जल्दी उठ के जाना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अपनी अलार्म को सेट कर दीजिए। जाने से 1.5 घंटा पहले उठ जाइए, तो देखिए क्या कुछ व्यू है सुबह का, इतना प्यारा मौसम, आज तो सुबह सुबह बारिश हो रही है। और ये व्यू मैंने आप सभी के साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था, अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, सुबह उठने के बाद आपको अपने प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना है और उसके बाद दोबारा से अपने बैग को चेक करना है कि कहीं कोई नोटबुक आपने रात को निकाली और वो यहाँ पे नहीं है। याद से जो भी टीचर ने आपसे चार्ट बनवाया था, जो भी प्रोजेक्ट बनाया था, उन सभी चीजों को याद से अपने साथ लेके जाना और अपने वैकेशंस के बाद के फर्स्ट डे को एंजॉय करना। ऑल द बेस्ट। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आप सबसे कल 5:30। हर हर महादेव।